नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज तो रोमिल 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 ही हो रहा है, सबको रोमिल का किरदार बहुत पसंद आ रहा है और आज आपके ऑडियोज में भी काफी तारीफ है। तो आज के ऑडियोज इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनुपमा धारावाहिक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। चलिए ज्यादा डिले नहीं करते हैं, आपके ऑडियो सुनते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। वर्षा जी, आपको ऑडियो अच्छा लगा, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी तबीयत ठीक है? बिल्कुल, आप सब लोग इतना ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है सच में। आज का एपिसोड देखा? शाह हाउस में सब बात कर रहे हैं कि जिसको सज़ा मिलनी चाहिए उसको मज़ा मिलने की तैयारी में है। पाकी प्रोजेक्ट दिलाकर अधिक को, डिम्पी की तो काम करते करते चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ रही हैं, पर अनुपमा की बात हमको अच्छी नहीं लगी। अरे डिम्पी बहू है, उसको बोलना चाहिए था, पर वो नहीं बोली तो अनुपमा मैडम खुद बोल रही हैं। अरे क्यों, देखो बदतमीजी शुरू कर दी डिम्पी ने, कितना बोलती है ये। सब इससे बड़े बैठे हैं पर सबसे ज़्यादा बोलती है ये डिम्पी नागिन। एटीट्यूड देखो कितना है डिम्पी में। सही है, अनुपमा को एटीट्यूड दिखाकर चली गई, अच्छा है, इसको तो और दिखाया तो अच्छा है, जानबूझकर इसको बहू बनाकर लाई थी, झेलो अब, ये यही डिजर्व भी करती है। और उधर रोमिल और पाखी की बातें बहुत अच्छी लगी, रोमिल ने बहुत अच्छी वो बातें समझा दी जो कोई भी नहीं समझा सकता था। वाह रोमिल, रोमिल का कहना कि अगर हस्बैंड प्यार नहीं करता है और वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाना और मैं किसी भी प्रॉब्लम में तुम्हें फंसने नहीं दूंगा, क्या बात बोल दी रोमिल ने। आज तो रोमिल पर बहुत प्यार आ रहा है सच में। हमको लगता है रोमिल पाखी को प्यार करने लगा है क्या? अब डिम्पी की अक्ल ठिकाने आ रही है। समर ने सही कहा कि बंटवारे के बाद ऐसा होता तो तुम बंटवारे की बात नहीं कहती। अब डिम्पी मैडम पता चला जब खुद पर आती है तब एसी तो क्या, पंखा चलाने के लिए भी पहले सोचना पड़ता है। पाखी को अधिक के कपड़े से प्यार करते हुए देखकर अनुपमा को अपना पहले का सीन याद आ जाता है। अनुपमा पाखी के लिए परेशान है पर पाखी है कि कुछ समझना ही नहीं चाहती है कि माँ का प्यार क्या होता है। समर अच्छे से समझा रहा है डिम्पी को पर वो कहाँ समझने वाली है। कितनी अच्छी बात कही अनुपमा ने कि मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई की, जंग जीती, लेकिन तूने कुछ भी नहीं किया पाखी। कितने अच्छे से अनुपमा समझा रही है बिगड़ैल पाखी को सच में, पर वो कुछ भी समझने वाली नहीं है। शारीरिक शोषण के बारे में अनुपमा का पूछना पाखी की दुखती रख पर हाथ रखना था। अनुपमा ने खुलकर पाखी को बता दिया और अधिक ये सब कुछ करता भी है पाखी के साथ, उसकी आंखें बता रही थीं, पर फिर भी वो अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताएगी। और प्री कैप में देखा पाखी अनुपमा को फिर जवाब दे रही है कि बड़ी को आपने सेकेंड चांस दिया था ना, अरे पागल, अपनी तुलना अनुपमा उसके प्यार से कर रही है, नापाक प्यार से, जिनका प्यार रूह तक जाता है, तुम्हारा अधिक तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। रोमिल को बरखा गंदा बोल रही, बहुत कुछ गंदा बोल रही थी, तो उस पर रोमिल का जवाब, सबसे ज़्यादा बेशरम तो आप हैं कि आप अपने हस्बैंड के भाई के पैसे पर ऐश कर रही हैं, कटु सत्य कहा जो कि आज तक किसी ने भी नहीं कहा। बरखा उस पर हाथ उठा रही थी, बीच में अनुपमा ने पकड़ लिया, अच्छा किया। अरे बरखा रानी, सच सुनने की हिम्मत भी रखो, क्यों किसी को इतना उकसाओ कि वो जवाब दे और तुमको झापड़ उठाना पड़े। इस समय सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, कई ट्रैक चल रहे हैं, इधर रोमिल का ट्रैक चल रहा है, पाखी का चल रहा है, अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, बहुत अच्छा ऑडियो था, आपकी तबीयत ठीक है जानकर अच्छा लगा। बाकी एटीट्यूड तो डिम्पी में भरा ही हुआ है, उससे एक ही चीज सीखी जा सकती है कि एटीट्यूड कैसे रखना है और वो भी फॉल्स एटीट्यूड। तो बहुत अच्छा लगा आपका ये ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मैम,
पाखी अधिक के जीवन में पायदान की तरफ अग्रसर हो रही है और उसे खबर तक नहीं है, या फिर वो अधिक के प्रेम में भला बुरा समझना ही भूल गई है। यही भूल उसका भूगोल बदल सकती है। अनुपमा है, जब तक उसके जीवन में कदम कदम पर करेगी उसको सावधान। क्या इस सावधानी के आगाज को सुन पाएगी पाखी, या फिर अधिक उसके कानों की मैल तो नहीं बन जाएगा कहीं। यही गेम अधिक की पाखी को पायदान बना देगी। आत्मसम्मान को दाव पर लगाकर प्रेम को पाना तो मूर्खतापूर्ण कृत्य है। डिम्पी की अलगाववादी निधि पर झाड़ू मारेगी बा झाड़ू हाथ में पकड़ाकर। बड़े बुजुर्ग सम्मान के हकदार होते हैं, लेकिन जब बदसलूकी हो तो सुधार गृह भी वो खोल लेते हैं। रोमिल के कटु रवैये में थोड़ी सी मात्रा शामिल होगी अदब की, क्योंकि वो अनुज और अनुपमा के सामने आने पर खड़ा हो गया था। ये तो एक राह तैयार हुई है रोमिल के लिए, जल्दी ही इस पर चलेगा भी रोमिल। नाटककार बरखा के भाई ने अपना नाटक डाइनिंग टेबल पर कर दिया शुरू और हीरोइन पाखी ने अपने पति अधिक का नाम प्रपोज कर दिया नए प्रोजेक्ट के लिए। अधिक के चेहरे के एक्सप्रेशन ने उसे अपने जीत का बिगुल समझ लिया, लेकिन ये बिगुल फेक निकलेगा, जल्द ही जान जाएगा अधिक मेहता। डिम्पी घर में चूहलबाजी देखकर एक पल के लिए तो खुश हो गई और फिर से अपने रूप में आ गई। कुछ क्षण के लिए ही सही, चेहरे के एक्सप्रेशन से उसमें जरा सी अच्छाई तो दिखी जिसने जरा सी दस्तक दी। अनुपमा ने रोमिल को सिगरेट के लिए डांटा भी और पुचकारा भी, अर्थात उसके गुस्से और प्रेम का ये मिलन कहीं ना कहीं रोमिल के लिए सुधार का काम करेगा। अनुपमा की उसके गिटार बजाने की तारीफ उसका मनोबल बढ़ाएगी और रोमिल का करैक्टर निखर कर सामने एक नए रोमिल के रूप में आएगा। जो काम अनुपमा कर रही है ये सब एक माँ के कर्तव्य हैं, जो अब ये यशोदा निभाएगी और रोमिल जल्दी ही यशोदा नंदन बनेगा। रोमिल को सुधारने का अनुपमा का ये काम नहीं पसंद आएगा बरखा रानी को। माँ का आंचल ढक लेता है गलतियाँ बच्चों की, लेकिन नहीं माफ़ करती माँ कभी भी उनके गुनाहों को। रोमिल की गलतियों को माफ़ कर देगी अनुपमा और सुधारेगी भी, लेकिन अधिक है दामाद और दामाद बेटा ही होता है। लेकिन जब एक औरत को झूठे प्रेम के झांसे में फंसाकर उसके इमोशंस के साथ खेलता है और फ़ायदा उठाता है तो वो गलती नहीं, एक गुनाह, एक क्राइम होता है, और उसके गुनाह कभी माफ़ नहीं करेगी अनुपमा। गलतियां गुनाहों की छोटी बहन हैं, गलतियां गुनाहों की छोटी बहन हैं, और छोटी बहन को माफ कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपका अंदाज़े बयां काफी अच्छा है और काफी डिफरेंट है। ऐसे ही भेजते रहिए अपने ऑडियोस, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंशु मैम, महिमा, आज का एपिसोड देखा? आज पूरा एपिसोड देखा है और उसके बारे में आज मैं अपने अंदाज में कुछ कहना चाहती हूँ। करनी का वो फल है जो भुगतना पड़ेगा
करनी का वो फल है जो भुगतना पड़ेगा। डिम्पी मैडम, आपको तो अंजाम पे पहुंचना पड़ेगा। जिस अंजाम को आप बंटवारा कर दिए, जिस अंजाम को आप बंटवारा कर दिए करवा दिए, इस परिवार के जो वंश को आपने अलग कर दिया, अब आपका भुगतने का तैयारी खुद को समझना पड़ेगा। जब ना समझा तो बारिशों में लुफ्त आती है और बिजलियों को ना पाने की गम बर्दाश्त ना ही कर पाती हैं। क्या करूं मैं बिल का, आप बिल दे दीजिए, बिजली बिल दे दीजिए। तो क्या हुआ इस तमन्ना को, हमें तकलीफ़ हो रही है। तो क्या आपने कभी सोचा था जब परिवार वाले, जब बुज़ुर्ग दादा दादी को आप इतनी बड़ी बात कह जाती हैं तो गम तो महसूस करनी पड़ेगी। इसलिए कह रही हूँ कि आप तो अब आपका खेल ख़त्म होने की बारी है। थोड़ा तड़प तड़प के मरेंगी तब आपको समझ में आएगी। हाँ, बा अपने पोते को कमी महसूस ना करने देंगी। आपके ऊपर की लाइटें गई हैं ना, नीचे की लाइटें तो नहीं गई हैं। समर को प्रॉब्लम होगी तो वो नीचे आकर रह भी सकता है, उसे बा मना भी नहीं करेंगी। लेकिन आपके साथ जो होगा वो आपको भी पता नहीं। वो कहते हैं ना, बड़ों को तकलीफ देना अपने आप को तकलीफ देना। अब शुरुआत है मैडम, दाल आटे का भाव, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बहुत कुछ सामने आएगा। अब क्यों ताना कसो समर को? समर तो परिवार के साथ ही रहता था, उसे तो समर को परिवार ही प्यारा था। जब वो नंदनी का ना सुना तो तुझे तुम्हारी बातों को वो नज़रअंदाज कैसे करेगा? बात तो मान लो, अभी भी मौका है, परिवार से माफ़ी मांग लो। एक्सेप्ट करने में साफ परिवार पीछे नहीं घसकेगा, तुम्हें प्यार करेगा। लेकिन तुमने प्यार का मतलब ही समझ में नहीं आता, परिवार का मतलब ही समझ में नहीं आता, तुम्हें क्या प्यार मिलेगा डिम्पी मैडम? मुझे तो डिम्पी मैडम बोलने में भी शर्म आ रही है। और तुमने हमेशा जो अनुपमा के साथ करती हो, काश तेरे साथ ऐसा हो कि जब समझ में आएगी कि अपनी सास के साथ कैसा करना, क्या मतलब निकलता है। तो इसीलिए संभल जाओ, सबर जाओ और अपने आप को कुछ अच्छे एक्टिविटी में डाल दो। समर को प्यार करने में अनुपमा पीछे नहीं घसकेगी। जब वो पारितोष पाकी के लिए जान निछावर करती है तो उसका समर लाडला है, अच्छा बच्चा है वो। हाँ, वो भटक गया है, वो जानती है, एक माँ अपने बच्चे को जानती है कि मेरा बच्चा भटक गया है, इसी वजह से वो कुछ बोल नहीं रही। लेकिन तुम्हारा दिन का कुर्बानी करनी का फल तुम्हें मिलने में कान्हा जी साथ देंगे, अनुपमा का, समर का, लेकिन तुम्हारा साथ कान्हा जी नहीं देंगे। इसलिए संभल जाओ डिम्पी रानी, अभी तो खेल बाकी है। अब बाकी है रोमिल और पाखी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। मानते हैं कि वो टीनेजर है रोमिल, लेकिन समझदारी उसमें सौ कुछ दूर भी नहीं है, पास में ही है। उसने कहा कि अगर ज़्यादा अधिक करेगा तो मैं साथ खड़ा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मेरी अपनी बहन होती तो हाथ तो लगा के देखता, मैं हाथ तोड़ के रख देता। मतलब उसे, मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा है रोमिल ने, वो बहुत बड़ी बात कहा है और उसके साथ हाथ मिलाया कि मैं हूँ। और पाखी भी हाथ मिलाई है, लेकिन पाखी को ये समझना चाहिए कि मेरी माँ भी मुझे समझा रही है, तो अपनी माँ की भी बात माने, ऐसे बेइज्जती ना करें अपनी माँ का, ये सही नहीं है। क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप हमेशा सपोर्ट करते हैं कि चलो मेरा बच्चा अभी बात नहीं मान रहा है, अपने परिवार को समझ रहा है, लेकिन ये गलत है। और एक चीज़ कहना चाह रही हूँ मैम, केंजल से मिलने गई, बापूजी से सबसे मिलने गई, वनराज ने डिम्पी को कहा कि तुम ही अलग होना चाहती थी ना, अब तो तुम तो अलग हो गई, तुम्हें सब कुछ मिल गया, क्या बोला जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का अलग अलग बिल कैसे आ रहा है, तो जहाँ जहाँ कनेक्शन दो, इतना बड़ा घर रहेगा तो अलग अलग तो रहेगा ही थोड़ा बहुत। तो इसीलिए कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। मैं एक ही चीज़, आपने कहा था कि रोमिल के अंदर सुधार आएगा,
वो भी सुधार इसलिए आ रहा है कि अनुपमा उसके साथ खड़ी है। रोमिल को जो प्यार मिलना चाहिए माँ बाप से वो प्यार नहीं मिला, अब अनुपमा से उसे प्यार मिल रहा है। अनुपमा के सामने उसने क्या मतलब पाखी के साथ उसने क्या कहा कि ड्रिंक और सिगरेट का पाबंदी है तो मोलेस्टेशन का भी तो पाबंदी होना चाहिए। तो ये बात तो सही है, जब वो दो चीज़ के लिए पाबंदी तो तीसरा चीज़ के लिए पाबंदी तो होना ही चाहिए। और पाखी को वो समझा रहा है, देखते हैं पाकी समझती है कि नहीं। और एक चीज आज मैं नोट करी हूँ मैम कि काव्या को वनराज माफ कर देगा, क्योंकि अब अपने बच्चों पर देख रहा है कि मेरे बच्चे इतने प्रॉब्लम्स में है, मेरी बच्ची इतनी, क्योंकि अपने बच्चे पर जब बात आती है ना तो पराए बच्चे भी अपने लगने लग जाते हैं। आज अनुपमा छोटी अनु को और अंकुश के बेटे को इतना लाइक कर रही है तो पारितोष का लाइफ सुधर गया, समर भी सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है कि समर अपनी ये जो अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ खड़ा है नहीं खड़ा रहेगा। मुझे सच में एक सीख मिली है अनुपमा से कि वो धैर्य और समर्पण और प्यार कहाँ से लाती हैं। काश मुझे भी ये प्यार और धैर्य मिल जाए तो मैं अपने गुस्से को टाटा बाबाई कर दूँ। अंजू मैम आज आपके लिए कुछ कहने का दिल कर रहा है, वो कहते हैं ना बड़ी बहन माँ सम्मान होती है, आज मैं आपको बड़ी बहन उस समय कहा था कही थी लेकिन सच में आप एक रियल ऑफ मदर ऑफ निकल गई। लेकिन जब भी आप मुझे गाइडलाइन देती है ना वो मैं किसी का सुनूं चाहे नहीं सुनूं आपका सुनकर मुझे अपने आप पे मोटिवेशन मिलता है। और जब से मैं आपसे आपके साथ हंग्री स्पिरिट में ज्वाइनिंग हुई हूँ, गॉड ब्लेस यू मैम कि आपने जो जो चीज़ समझाया और वो चीज़ मैंने अपने दिल पे उतारा है और समझा है, गुस्से को शांत किया है और प्लस अपने में चेंजेस लाया है, तो वो सिर्फ वजह आप हैं। सारे क्रेडिट आपको वो दूंगी मैम, क्योंकि अगर आप नहीं उस दिन जब मैं कैंसर सेट के लिए ऑपरेशन कराने जा रही थी और आप ही ने कहा था कि महिमा अगर फ़ोन नहीं कर पा रही हो, मैसेज नहीं कर पा रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले रेस्ट कर लो, फिर हम लोग तो ज्वाइनिंग है ही, साथ खड़े हैं तुम्हारे, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मानना पड़ेगा मैम जब आप मेरे सपोर्ट में हैं, जब आप मेरे सपोर्ट में हैं तो मुझे डरने का क्या चीज़। और कुमुन दीदी, ख्याति दीदी, श्रद्धा दीदी, मनीषा दीदी, लता दीदी, सबनम दीदी, बरखा दीदी, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ मेरे लिए शामिल रखती है, मुझे याद करती है, तो आई एम वेरी अप्रिशिएशन। ख्याति दीदी आपको भी, कुमुन त्रिपाठी दीदी आपको, मेरे मुंह पे सिर्फ चार पांच नाम ऐसे आते हैं ना कि मैं आप लोग सच में बहुत मिस करती हूँ। जब तक आप लोग का आवाज़ नहीं सुनती हूँ, और अंजू मैम का तो आवाज़ हमेशा ही मेरे पास में आता है, लेकिन आप लोग जिस समय किसी ना किसी का अप एंड डाउन मतलब बोलते हैं ना, जैसे मेरा दो तीन दिन नहीं आया, कभी आपका नहीं आ पाता है, कभी ख्याति दीदी का नहीं आता, तो मैं बहुत मिस करती हूँ। अंजू दीदी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत हैप्पी, थैंक यू फॉर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आज इतना ही कहना है मैम, बाकी समझेगी नहीं तो उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ मैं, और जब उसे समझ में आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। वो कहते हैं ना अनुज कपाड़े के टाइम अनुपमा भी निकलने चली गई थी, लेकिन जब माया को कुछ हुआ, जब वो फ्लाइट में बैठी, जब उसे माया का स्टिक दिखा, तब वो वापस आई कि नहीं मुझे छोटी अनु को संभालना है। वही हरकत पाखी के साथ होगा, जब उसे समझ में आएगा कि मेरी मम्मी इतना दिन साथ खड़ी थी, मैं बात नहीं मानी, अब मेरी मम्मी भी दूर हो रही है, तब उसे गाइडलाइन समझ में आएगी। बोलते हैं ना माँ जब सामने होती है ना तो बच्चों को कद्र नहीं होती, और जब माँ सामने नहीं होती है ना तो बच्चों को कद्र समझ में आ जाती कि मेरी माँ कहाँ है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मेरी माँ मेरे साथ नहीं खड़ी है। समर को अब धीरे धीरे गाइडलाइन हो रहा है कि नहीं मेरी मम्मी थी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, भले वो चेहरे पे नहीं दिखाता है लेकिन उसको वो चीज़ का गिल्ट है, वो परिवार से मिलता है लेकिन वो अपनी माँ को भी ढूंढता है। वही चीज़ पाखी को भी समझ में आएगा, भले वो सुधर गई हो लेकिन अपनी माँ के साथ ही बदतमीजी करना ये अभी तक उसके अंदर से गया नहीं है। थैंक यू मैम, बाय बाय मैम।
थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। तो बहुत अच्छा ऑडियो था और अंदाज भी बहुत अच्छा था। तो मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आप अपने अंदाज में आज बात करेंगी, तो पहले जो महिमा का हम अंदाज देखते थे वो किसका था? आप ही का होगा, आई एम श्योर। जस्ट किडिंग महिमा, अच्छा ऑडियो था। आपको ऐसे ही छेड़ने को मन किया तो मैंने ये बोला है, बाकी आपने अच्छे से अपनी बात कही है, तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत अच्छा लगा मुझे। आज का शो मज़ेदार था, फनी भी था, नशा उसमें फनी बातें हुई कुछ, जैसे डिम्पल का वो बत्ती गुल हो गई डिम्पल की, और वो आती नीचे तो उसे सब बाप बहुत अच्छे से जवाब देती उसे डिम्पल को, और कहती कि अनुपमा भी कहती है कि ते बहू रानी। बहुत अच्छा लगा। वो कल भी बाने बोला था कि छोटी बहू रानी, वो भी डायलॉग बहुत अच्छा लगा था, और कहती कि अरे वाह ससुराल समझ रहे हो तुम। तो आज वो अनुपमा का जवाब बहुत अच्छा लगा कि डिम्पल को, डिम्पल चिढ़ गई और मदद करने से मना भी किया, और ये अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये सबक तो सीखना चाहिए। अब आने भी कहा कि अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों के साथ ऐसा करना, पर बहुत ज़रूरी है इन लोगों के साथ ऐसा करना। और आज डिम्पल को भी समझ में आ रहा है अपनी गलती और एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और दाल आटे के भाव समझ में आ गए, खास करके कि दाल आटे के भाव वारे आज चोरी करने पे भी मजबूर कर दिया डिम्पल को। और ये बात नहीं बताई कि मैंने चोर के खाना खाया करके, बाकी हर बातें बताती है, हर बात भड़काने की कोशिश करती है। तो समर को शायद ये भी बताती कि मुझे नाश्ता चोर के खाना पड़ा, और कितना जल्दी बंद कर दो एसी बंद कर दो ये वगैरह। वाह वाह, बहुत अच्छे से समझा रहा है समर उसे, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, और कह रहा है माफ़ी मांग लो अच्छा रहेगा, पर नहीं मानती डिम्पल, अभी नहीं मानेगी, और शायद ये फिर एक बार बरखा के पास जाएगी। जरूर लगता है मुझे कि बरखा से बोलेगी, हेल्प मांगेगी कुछ तो भी, तो बरखा भी अपने हाथ ऊपर कर देगी, क्योंकि अभी बरखा के ही कुछ चल नहीं रही है, और बरखा तो अपने आप में भी अनुपमा ने उसको भी बिजी कर ही दिया है, अभी जो रिकैप में दिखा था उसकी वजह से लगता है। तो बरखा भी हाथ निकालेगी तभी इसे समझ में आएगा कि इसका गुरु ही नहीं इसको पूछ रहा है तो क्या। तो ये मांगेगी माफ़ी, मांगेगी और अच्छे से गिड़गिड़ा के मांगेगी, और पूरे उससे मांगेगी। अब तो परिवार है, परिवार के लोग माफ़ कर देंगे, पर कब ये देखेंगे अभी। और बरखा कुछ ना कुछ, बरखा नहीं डिम्पल कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, देखते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, कल आपने जो कहा था कि अधिक के मास्टर प्लान को, पर अनुज का मास्टर प्लान भारी पड़ गया, तो वो तो कल क्लियर हो गया था। अनुज ने जिस तरह से उसको जवाब दिया, और जैसे पाखी को कहा, और अनुपमा ने भी पाखी से कहा कि तुझे दिया काम तू ही करेगी तेरे पति को नहीं, जो भी उसने कहा तो वो तो क्लियर हो ही गया था। पर आज अनुपमा ने उस पर मोहर लगा दी कि अनुज जो चाहेगा वही होगा, अनुज वो तो बिजनेस है, तो अनुज की इच्छा है, अनुज की किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आज उसने शाह उसमें कह दिया कि बाकी काम नहीं करना चाहती और वो अधिक को देना चाहती, तो उस पर बहुत अच्छे से आज अनुपमा ने मोहर लगाई दी कि अनुज का बिजनेस है, अनुज देखेंगे। तो अच्छा लगा, वो भी अच्छा परफेक्ट हो गया कि अभी कैंप कपाड़िया एम्पायर तो इसे हाथ धो बैठा अनु, अधिक जॉब थी तो शायद जॉब भी ना रहे, और देखते हैं और आगे। हाँ, पर आज कपड़े उसमें भी पाखी और इसके रोमिल की बातें बहुत अच्छी लगी। रोमिल अच्छे से उसको पहले तो आड़े हाथ लेता है कि तुम ये जो कर रही हो गलत है, और तो कहती कि सोचना पड़ता है और ऐसा करना पड़ता है, तो कहती मम्मी से बदतमीजी करते समय तो नहीं सोचती तुम, तो वहाँ भी पाखी चुप हो जाती है, और फिर कहती है कि बाद में कहती है उसका अधिक के बारे में जो भी है, तो वो कहता है कि मेरी बहन होती, वो बहुत अच्छा जवाब देता कि मेरी बहन होती तो मैं भी शायद ऐसे उसको कहता, उसे यही समझाता। और आज उसने कहा कि तुम अपने प्यार का टेस्ट लो, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर जवाब भी देना सीखो। तो ये बहुत अच्छा बोला, और कहा कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं जाऊँगा कभी, मुझ पर ट्रस्ट करो। दोनों ने हाथ भी मिलाया और अच्छा लगा, और ये सब देख के अनुपमा को बहुत रिलैक्स फील हुआ। अनुपमा के चेहरे पे खुशी थी आज वो देख के कि रोमिल, चलो मुझे तो रोमिल के लिए लग रहा है कि रोमिल के लिए
सोच रही हो कि रोमिल परिवार में घुल मिल की कोशिश कर रहा है, रिश्ते यानी बात करने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छा लगा वो भी देख के। और हाँ, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आज अनुपमा का वो सब पाकी से बात करना। सच में बहुत मुश्किल होता है अपनी बेटी को वो सब बातें समझा के बताना वो सब। तो जब पाकी कहती है कि मम्मी तुम कैसे बातें कर रही हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बेटी से ऐसी बातें करते समय तो इतना अच्छा जवाब देती कि मेरे लिए भी कहाँ आसान है, मुझे करना पड़ रहा है मेरी बेटी की अच्छाई के लिए, मेरी बेटी के लिए, तो इस बात को समझ। और कहती है कि डॉक्टर जब बोलता है तब तुम लोग तो ऐसा नहीं कहते ना, हर पर्सनल बातों पे वो जवाब देते, तब उसको तो डॉक्टर को तो नहीं टोकते ना, फिर माँ के लिए क्यों सारे तीर। वो भी बहुत अच्छा जवाब दिया पाखी को अनुभव, मैंने बहुत अच्छे से समझा रही है। अब पाखी कहीं ना कहीं सोच रही है, जैसे वो बोलती कि पापा को आपने माफ़ कर दिया, तो जो जवाब देती है वो कि युद्ध में हारने के बाद माफ़ कर दे, जीतने के बाद माफ़ करना और हारने के बाद माफ़ करने में फ़र्क है, वो बहुत अच्छा बताती है वो। और कहती है कि मैंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई थी जीती और उसके बाद तेरे पापा को माफ़ किया, तो वो माफ़ अलग, वो माफ़ी अलग होती है, वो कहीं ना कहीं उस माफ़ी में एक अपने आप में एक रिस्पेक्ट भी रखता है, पर जो तू कर रही है वो गलत है। तो वो कहती नहीं, वो कहती नहीं मान रही है अभी पाखी, पर कहीं ना कहीं सोच भी रही है वो, मुझे लगा ऐसा एक टाइम लगा ऐसा। और फिर बाद में जो रिकैप में दिखा रहा है कि वो फिर सवाल कहती है, करती है कि बड़ी के लिए, बड़ी से और अधिक की तुलना, तो कि बड़ी को माफ चांस मिला दूसरा तो अधिक को क्यों नहीं। तो अभी अनुपमा उसका भी जवाब देगी कि बड़ी में और अधिक में क्या है अंतर, वो अब हमने मैं नहीं बोलूंगी उसके बारे में, पर देगी अनुपमा उसका भी जवाब पाखी को देगी। और रिकैप में जो दिखाया वो तो है ही, कहते हैं बरखा के बंसुबे पे तो सच में पानी फेरा है पाखी अनुपमा ने बीच में आके। अभी तो वो जासूस ही बनी है ना, उसको तो नज़र रखना है सब पे, तो वो तो ये नज़र फिर इस पे क्यों ना पड़ेगी बरखा पे। तो बहुत अच्छा किया, बरखा तो यही चाहती है कि वो अधिक सॉरी अनुज को भड़काए, क्योंकि उसने तो अनुज का भी गुस्सा देखा है रोमिल के लिए और चिढ़ देखी है, और इसलिए वो चाहती है कि उसको और भड़काऊँ और गलत बदतमीजी करे, तो फिर ये कोई ना कोई तमाशा करे तो अनुज शायद उसे घर के बाहर निकाले, पर ऐसा नहीं होगा। उसको तो पता ही नहीं है कि अनुज अनुपमा क्या चाह रहे हैं अधिक के लिए, और क्या सॉरी रोमिल के लिए क्या सोच रहे हैं, उसके लिए क्या 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 उनके दोनों की जो बातें हैं, तो ये तो बरखा जानती नहीं है। तो आज बहुत रिकैप में भी बहुत मजा आएगा, आगे कल जो दिखाएंगे वो भी सच में बहुत ही रोमांचक होगा वो सब देखना। और क्योंकि अभी लग रहा है कि गाड़ी थोड़ी पटरी पे जा रही है, और हाँ मैंने कल कहा था कि राखी तक रोमिल की बात में बहुत सुधार आ जाएगा इस बात को, कि वो राखी सेलिब्रेशन करेगा शायद छोटी के साथ। थोड़ा एक चांस लग रहा है मुझे पाखी के साथ, क्योंकि जब वो कहता है ना कि मेरी बहन होती तो मैं भी ऐसे करता, तो शायद पता नहीं पाकी का, पर हाँ छोटी के साथ तो सारा की सेलिब्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि रिकैप में जो आज उसे अभी उसको ना पूरी तरह से अनुपमा पे विश्वास होगा रोमिल का, क्योंकि रोमिल को सच में वो समझ के सपोर्ट कर रही है, और कह रही कि तूने तो पहले जब कह रही कि आपने पहले उसको भड़काया बदतमीजी करने पे, जवाब देने पे, और आप खुद उसको बदतमीजी पे हाथ भी उठा रही है, तो ये ठीक नहीं है। तो रोमिल को समझ में आएगा कि ये मेरे ही अच्छा चाह रही है, मेरे लिए सोच रही है। आज तक उसको जो प्यार नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं अनुपमा में अपने लिए वो प्यार भी देखेगा, तो मुझे लगता है ये सुधर जाएगा। थोड़ा सा लगा था मुझे पाखी के साथ जब वो बात करता है, जब वो मुस्कुराता है, वो केक सुधारती है, केक के लिए उनकी जो उनकी जो मस्ती होती है केक को लेके, और फिर बाद में जो वो केक ठीक करती है पाखी, तो पहले हमको रोमिल देख के मुस्कुरा रहा होता उसके ऐसा झुककर, और फिर बाद में थोड़ा शांत और थोड़ा ऐसा लगा कि पता नहीं अभी क्या करेगा। और तो हो सकता है अधिक के लिए सोच रहा होगा कि अधिक से वो बदला, तो अभी उसके मन में तो है वो अधिक के लिए गुस्सा है, और उसने जो उस दिन बोला भी था कि मैं क्या कर सकता, तो वो उसके कुछ ना कुछ के मन में चल रहा है। पर हाँ अनुपमा संभाल लेगी, उसे सुधार लेगी, मुझे लगता है कि पूरी तरह से रोमिल का भी ट्रैक बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा वो सब हम लोग देखना चाहते हैं, रोमिल अनुज अनुज और अनुपमा छोटी का ये परिवार अच्छा लगेगा, वो दोनों दोनों भाई बहन बनेंगे जो भी अच्छा लगेगा मुझे, और प्यारा सा एक परिवार इनका बनेगा। और सच में ये तो
बहुत बड़ा तमाचा होगा बरखा के चेहरे पे। बरखा की तो निकाल के फेंकना ही चाहिए अब बरखा को, बहुत हो गया। जैसे आज अधिक को उसने बिजनेस से निकाला तो बरखा को भी कहना चाहिए। और कुछ भी हो, जो भी हो, जैसा भी हो, रोबिन ने बहुत अच्छा जवाब दिया आज बरखा को कि तुम तो अपने भाई पति के भाई के पैसों पे ऐश कर रही हो, तो क्या गलत बोला, और इसलिए तो तिलमिला गई। और अंजू जी थैंक यू सो मच अंजू जी। और हाँ, मैं बोल रही थी कि आपका, मैं ये कहना चाहती थी कि आपने जो पब्लिक कमेंट्स पे जो आपने एक वीडियो बनाया था कि आप वो शुरू करने किया, कल नहीं दिखाया आपने वो, पर परसों जो देखा था अच्छा लगा वो शो भी आपका। और बहुत जरूरी होता है कि लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनके कमेंट्स में भी क्लियर करना, तो अच्छा लग गया वो कोशिश आपकी, और शायद आगे भी आप दिखाएंगे, तो इंतज़ार रहेगा उस वीडियो का भी हमें। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा आपने वर्षा, कि आज का शो काफी अच्छा था, हर तरह का एलिमेंट था, ड्रामा भी था, फन भी था, और जो अनुपमा ने कहा वो भी बहुत अच्छा था, डिम्पी को वो भी मजा आया सुन के, देख के, और रोमिल वाला पार्ट भी अच्छा लगा, तो ओवरऑल शो आज का अच्छा था। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और वर्षा सॉरी, मैं कल कहना भूल गई कि तुम्हारी बहन के बारे में सुन के और उसके साथ जो कुछ भी हुआ सच में बहुत ही बुरा हुआ, और सच में मुझे ये बात सुन के सच में बहुत रोना आया, और भगवान तुम्हारी बहन के आत्मा को शांति दे, और तुम भी अपने आप को संभालो। और कुमुद जी, अब आपकी तबीयत ठीक होंगी यही प्रार्थना करती हूँ। आज का एपिसोड देखा अंजू जी, और आपका रिव्यू भी सुना, सच में बहुत ही अच्छा था आपका रिव्यू आज का। और डिम्पी के बारे में तो क्या ही कहे, आज जिस तरीके से वो नीचे आई और कहती है कि नीचे पंखा फैन सब शुरू है, ऊपर इतनी गर्मी क्यों हो रही है, ऊपर लाइट क्यों नहीं है, तब बा कहती है हमने हमारा बिल भर दिया, तुम अपना बिल भर लो, तो आप अभी के लिए भर दीजिए, समर घर पर नहीं है, तो हम क्यों भरे, तुम भरो। तब अनुपमा कहती है समर को फोन करो और कहो कि बिल भर दे, तो थोड़ी देर के लिए आप उधार नहीं दे सकती पैसे, बिल नहीं भर सकती। तब अनुपमा उठती है और उसके पास आती है, तब डिम्पी को लगता है कि शायद मेरी सास फिर से मुझे थप्पड़ मारेगी, तब कहती है अलग किसे रहना था, अलग किसे होना था, तुम्हें ना, तो बिल भी तुम खुद भरो, समर को फोन करो और बताओ वो ऑनलाइन भर देगा, तो आपको पहले नहीं बताना था कि घर में 2 मीटर है, जब ये घर बड़ा बना सबके रहने के लिए, ये सब मिलजुल कर रहेंगे, तभी हमने 2 मीटर लगवाए थे। और तब वनराज भी कहता है कि तुम्हें बताने की क्या जरूरत है, समर को पता है कि घर में 2 मीटर है, पैर पटकती है और ऊपर चली जाती है। तब बा कहती है कि बच्चों को तकलीफ में देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे, अगर ऐसे बच्चे हो तो कड़क होना जरूरी होता है, कड़क बनना ही पड़ता है। जब समर भी आता है तब भी डिम्पी जो कुछ भी कहती है, उससे एक बात याद आती है अंजू जी, संसार पिक्चर में इसी तरीके से राज बब्बर भी ऐसी ही लकीर खींच देता है घर में, और तब जिस जैसे जैसे उनका जब रेखा आती है अपने बच्चे को लेके, तब वो भी कहता है कि इतना इतने बिल कैसा आया, इतना पैसे कैसे लगे, तब वो कहती है कि जब मिलजुल कर रहते थे तब सभी लोग पैसे निकालते थे, इसलिए हमें कम खर्चा आता था हमारे हिस्से में, लेकिन अब जब आपने अलग ही कर दिया है तो इतना तो पैसे लगने ही वाले है। तो वो सीन आज मुझे याद आ गया कि डिम्पी भी इसी यही सब कर रही है, और आज वो भी पछता रही है, लेकिन वो कुत्ते की धूम है, वो नहीं सीधी होंगी। और ये बात तो बिल्कुल सही फिट बैठती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। और आज रोमिल का जो भी पाखी के साथ भी जो कुछ भी कहा उसने, सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम क्यों हबीब से पति के साथ रहना चाहती हो, तब कहती है कि
मैंने बहुत सारी शादियां टूटते हुए देखी है और इसलिए मैं शादी को बचाना चाहती हूँ। तो सच में प्यार है, टेस्ट लो। टेस्ट तो हाँ, अगर टेस्ट में तुम पास हुई तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वो जब कहती है तब कहती है, तो अपनी मम्मी को तो फट से जवाब दे देती हो, तब नहीं सोचती तुम। तब वो कहता है अगर पास हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जब तो अगर नहीं हुआ तो आवाज उठाओ जुल्म के खिलाफ, तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सच में रोमिल ने भी बहुत अच्छा कहा आज, वो भी सीन बहुत अच्छा था। और जो प्रिकेप देखा सच में, वो देखकर तो दंगी हो रह गए। वो क्या कर रहा था? सिर्फ खाना ही तो खा रहा था ना, और तो कुछ नहीं कर रहा था, कुछ लेके खा रहा था, उसे भूख लगी थी तो। लेकिन बरखा कभी नहीं सुधर सकती। लेकिन क्या जवाब रोमिल ने भी क्या जवाब दिया है कि आप भी तो अपने हस्बैंड के भाई के पैसों पे ऐस कर रही है। सही तो है ना, उसका है ही क्या खुद का? सच बात गई तो मिर्ची लग गई बरखा रानी को। लेकिन जैसी हाथ उठाने गई वैसी अनुपमा ने पकड़ लिया। पहले तो बच्चे को उकसाओ बोलने के लिए, और जब वो बोले तो उस पर हाथ उठाओ, ये सही नहीं है। तब बरखा हक्की बक्की रह गई। सच में अंजू जी, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया, और कल का और मजा आएगा। और जो माँ बेटी की भी बातें हुई वो भी अच्छी थी। सही कहा अनुपमा ने, जिस तरीके से पाखी को अनुपमा देख रही थी, तब वो मन में कहती है कि औरत प्यार में अपना सब कुछ दे देती है, पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, क्योंकि प्रेम ही तो औरत की परिभाषा है। प्रेम ही वो सावन है जो नारी की मिट्टी को कठोर नहीं होने देता। औरत तो सारी जिंदगी प्रेम की उंगली थाम कर चलती है, बस प्रेम के रिश्तों के नाम बदलते रहते हैं, बस कभी ममता, कभी पंक्ति, कभी परिवार का प्रेम, कभी भगवान का प्रेम, और कभी पति का प्रेम। सच में वो लाइन भी बहुत अच्छी थी अंजू जी, कि हर बार औरत को ही सहना पड़ता है। वो सीन में उसे भी वो सब याद आ गया, जब वो अनुज की शर्ट को अपने गले से लगाकर, जब उसे हिचकी आ रही थी, तब उसे लगा कि अनुज किसी तकलीफ में है, अनुज को भी वहां पे हिचकी आ रही थी। जो बात, वो सब उसे याद आ गया। कल भी वो कहेगी जब बड़ी ने भी आपके साथ किया था, आपने उसे क्यों माफ किया? एक मौका दिया आपने। लेकिन पाखी ये क्यों भूल जाती कि अनुज ने अनुपमा को धोखा नहीं दिया, वो सिर्फ छोटी अनु की वजह से वो वहां गया था। अनुपमा को धोखा नहीं दिया उसने, माफ किया, क्योंकि गलती नहीं थी उसकी, अनुज की। हाँ गलती थी कि उसने अनुपमा की बात नहीं मानी और वो छोटी के पीछे पीछे माया के घर चला गया। लेकिन बाद में वो भी तो बहुत ही पछताया ना, जब वो आना चाहता था, और जो कुछ भी हमने सीरियल में देखा, माया के साथ जो कुछ भी हुआ हादसा, उसकी वजह से वो मजबूरी में वहां पे था। तो वो पाखी इस तरीके से कंपेयर कैसे कर सकती है बड़ी को और अधिक को, अनुज को और अधिक को? अनुज में और अधिक में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो देखती कम से कम पाखी, देखते हैं अंजू जी अब क्या दिखाते हैं। लेकिन अब बहुत मजा आ रहा है सीरियल में। अनुज अनुपमा से ही प्यार करता था, उसने कभी माया से प्यार नहीं किया, और जो वनराज ने किया वो भी गलत ही था। किसी ने कहा था ना उस दिन, मैंने भी इससे पहले भी कहा था, कि सिर्फ शरीर पे चोट लगना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, बातों का भी असर होता है मन पे गहरा। जो उसने कहा कि युद्ध में जो हारते हैं और वो माफी मांगते, वो बात अलग है, और खुद हार के माफी माफ करना वो अलग बात है। और जिस तरह से वो
किस तरह से अपने बेटे से पूछे, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि प्रेम के नाम पे तुम्हारे साथ कुछ अधिक गलत तो नहीं कर रहा है। तब कहती है कि मम्मी आप इतना पर्सनल बात क्यों नहीं, पर्सनल क्यों जा रही है। तब कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारे फिक्र है। सच में आज का जो एपिसोड था, चाहे पाखी और रोमिल की बात हो, साहा उसकी बात है या फिर माँ और बेटी की, सच में बहुत ही अच्छा था आज का एपिसोड। अब देखते आगे क्या दिखाते, लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और वर्षा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, जो जिन लोगों ने तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी किया है उसको भी अपने कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ेगा। किसी को ऊपर जाके कुछ नहीं सजा मिलती, जो मिलती है यहीं मिलती है। इसलिए महिमा तुम भी अपना ध्यान रखो और इसी तरह से मुस्कुराती रहो और अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना। अंजू जी आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखना और ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहिए। सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए और वर्षा के लिए। आपने जो दर्द महसूस किया है हम सब ने किया है। वर्षा बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप को संभाल चुकी है और आगे भी संभालेगी। तो बाकी अनुपमा धारावाई के बारे में आपका रिव्यू हमेशा ही अच्छा होता है, आज भी अच्छा था। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम अभी आपके तीनों ऑडियो देखे, मैंने धारावाहिक भी देखा आपके ऑडियो देखने वीडियो देखने के बाद में। पहला आपने बताया कि बरखा के मंसूबों पर पानी फेरा अनुपमा ने, दूसरे वीडियो में आपने बताया कि रोमिल बनेगा पाखी का भाई रक्षाबंधन के पहले, और तीसरे वीडियो में आपने बताया कि डिंपल माफ़ी मांगेगी और इस तरह से बदलेगी पैतरा। उसके बाद मैंने धारावाहिक देखा मैम, मुझे थोड़ा जो मैं मुझे आपके वीडियो और से समझ में आया वो बताऊंगी। आपके पहले वीडियो और धारावाहिक के हिसाब से बरखा ने उकसाया उसे नए प्रोमो के हिसाब से कि रात में रोमिल कुछ खा रहा था। टीनेजर बच्चे रात में ज़्यादातर भूख लगती है, कुछ की कोशिश करते हैं, तो बरखा ने उसे इस तरह से वो क्यों बच्चे को जानबूझ के शाब्दिक प्रताड़ना दे रही है मैम, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई इस तरह से बोले। तो हालांकि वो हाथ उठाने जा रही थी तो अनुपमा ने हाथ रोक लिया और बता दिया कि किसी बच्चे को पहले उकसाना और उसके बाद में उसे बोलना, उसे हाथ उठाना और पहले उकसाना और जब वो आपको सामने जवाब दे तो उससे हाथ उठाना, ये दोनों बात गलत है आपकी। और आपके दूसरे वीडियो से मुझे समझ में आया कि रोमिल अच्छा भाई बनेगा, क्योंकि जो इन दोनों के बीच की बातचीत देखी तो उससे रोमिल ने कहा कि एक टेस्ट करते हैं अधिक तुमसे सच में प्यार करता है कि नहीं, और मेरी कोई बहन होती तो मैं इस तरह का उससे बर्दाश्त नहीं करता था। और तीसरे वीडियो में आपने बताया कि बिजली के जाने के बाद अनुपमा ने गुस्से से डिंपल को बोल दिया था कि तुम अपना जिम्मेदारी समझो और अपना बिल बदलो, लेकिन मैम डिंपल इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मांगेगी क्योंकि उसमें ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। उसे समर ने भी बहुत समझाने की कोशिश की कि हम गलत, हमारा ये निर्णय गलत है तो अभी हमको सब तरह से सहन करना पड़ेगा, पर डिंपल की बात दिमाग में ऐसी गूढ़ बातें आती ही नहीं है। और आज का धारावाहिक देखा मैम, आज के धारावाहिक से मुझे सबसे पहले ये बात समझ में आई कि किंजल ने अनुपमा को प्यार से बुलाया अपने घर पे धारावाहिक की शुरुआत में और वॉइस मैसेज भेज के बुलाया और सबके बारे में बातचीत चल रही थी। तो सब ने हंसी खुशी, जब परिवार साथ में हो तो हंसी मजाक और नोकझोंक का अच्छा लगता है और तीज त्यौहार का महत्व पता चलता है,
वो लोग पाखी को बुलाना चाहते हैं लेकिन पाखी नहीं आएगी कपाड़िया उस छोड़ के। और दूसरी बात, अनुपमा ने एक स्पष्ट कर दी कि अनुपमा ने कह दिया कि अनुज जाएंगे वही होगा, पाखी के जाने से कुछ नहीं होगा ये प्रोजेक्ट के बारे में वगैरह। और थोड़ी देर के लिए डिम्पी के घर की लाइट जाना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बा ने या शाह परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर थोड़ी से डिम्पी को सबक सिखाने या जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्यूज़ निकाला होगा। लाइट तो नहीं गई होगी मैम, क्योंकि लाइट जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इतनी जल्दी नहीं आ जाती है। दूसरी बात, फिर बाद में समर आता है, समर उसको बहुत प्यार से समझाता है। समर ने जैसे ही एसी चालू किया, डिम्पल ने बंद कर दिया और बोला कि हमें अभी इलेक्ट्रिसिटी सोच समझ के उपयोग करनी होगी। तो ये भी अच्छा लगा कि अब उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जब उपयोग हो तभी करना चाहिए, बिना वजह के हमें नहीं कुछ करना चाहिए। और चौथी बात, आज के धारावाहिक से ये सीखने को मिली कि रोमिल किचन में आता है, पानी पीता है, तब वो पाखी उससे कहती है कि आज तुम्हारा कॉलेज का दिन कैसा रहा, और सब पूछती है। तब रोमिल उससे पूछता है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी और इतनी आज के ज़माने की होकर ऐसा क्यों अपने पति का जुर्म सहन कर रही हो। तब पाखी ने कहा कि मैं परिवार की वजह से या प्यार करती हूँ इस वजह से, मैं परिवार और प्यार तो मुझे कहीं भी पाखी का नहीं दिख रहा है। हाँ, आपने 3-4 दिनों के पहले बताया था जो अपने वीडियो में कि पाखी किस के कोई क्लिप या वीडियो है अधिक के पास। आप सबको याद होगा कि राखी दवे का बर्थडे इन लोगों ने रिसॉर्ट में मनाया था, तब वहाँ पे अधिक और पाखी रंगे हाथों एक बंद कमरे में पकड़े गए थे। हालांकि उन्होंने दोनों ने यह कहा था कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप लोग चिंता मत करो, पर मुझे लगता है कि अधिक ने कोई ऐसे फोटोग्राफ खींच लिए होंगे तो वो इस तरह से उसका फायदा उठा रहा होगा। और जब फिर रोमिल ने ये कहा कि तुम ऐसा मत सहो, एक बार ट्राई करके देखो, एक टेस्ट करके देखो, अगर उसका प्यार सच हुआ अधिक का तो तुम एफर्ट डालना, नहीं तो तुम इसके लिए आवाज़ उठाना, हाथ उठाने के खिलाफ, क्योंकि एक ये दोनों तरह के अभी वायलेंस ही है। ये मैं इतना छोटा नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। और बाद में अनुपमा जब पाखी के पास आई तब पाखी का बिहेव अनुपमा के साथ में मैम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वो कहती है कि वनराज को आपने माफ़ कर दिया, तब अनुपमा ने कहा कि मैंने आत्मसम्मान के बल पर कुछ नहीं किया। और जंग माफ़ करना और अपनी कमजोरी को माफ़ी का रूप देना दोनों बातें अलग हैं। तुम कमज़ोर हो या अधिक से डरती हो, क्या बात है, लेकिन बिल्कुल मुझे पाखी का भी और अनुपमा के साथ में मैम अच्छा नहीं लगा। और इस बार मैं अपनी बात बताऊं, मेरे मायके में भी हम लोग 13 भाई बहन थे, दोनों बुआ के 5 बच्चे और पापा लोग 4 भाई हैं, हम लोग 9 भाई बहन। हम लोग 13 भाई बहन, 8-14 भाई बहन मिलके रहते थे, पर मैंने इस तरह का वहाँ पे कभी नहीं देखा। मैं तो हैंडीकैप थी और मेरी तो स्टेप मदर है मैम, पर उसके बावजूद मैंने इस तरह का नहीं देखा कि बच्चे अपनी मम्मी से बात छिपाने में डरते हैं। और अनुपमा ने जब पाखी से ये कहा कि तुम डॉक्टर के पास जाती हो तो डॉक्टर को अपनी बीमारी की जड़ बतानी पड़ती है, तभी डॉक्टर इलाज कर सकता है, तो नहीं समझ रही है पाखी अनुपमा की बात। और पाखी को जितना प्यार से अनुपमा समझाने की कोशिश कर रही है, पाखी बिल्कुल नहीं समझ रही है। मैम मेरे तो ससुराल में भी हैं, मेरे हस्बैंड लोग 7 भाई बहन हैं, 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो मुझे इस तरह का मेरी ये अपनी सोच है मैम कि
कि मुझे ये बहुत अलग सा लगता है और नए आने वाले प्रोमो में बार बार बरखा का रोमिल को शब्दों के प्रताड़ना देना अच्छा नहीं लगता है मुझे। और पाखी ने अनुज के साथ में अधिक की तुलना की, वो तो किसी भी तरह से योग्य नहीं है मैम। मेरी बात गलत हो तो प्लीज़ बताइएगा। और सॉरी वर्षा जी, आपके जीजा जी के लिए मेरे मुंह से कल एक दो शब्द गलत निकल गए थे, सॉरी आपको दुख लगा हो तो। मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन मैंने खुद भले दुख नहीं देखा है पर किसी और को दुखी देख के मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। बाकी आपने जो कहा है कि बा ने किया होगा, वो लाइट ऑफ जो चली गई है डिम्पी की, क्योंकि लाइट नहीं जा सकती, जो भी आपने अपनी फीडबैक दी है, मुझे नहीं लगता कि बा ने ऐसा किया होगा। अनुपमा ने आज बहुत क्लियरली बोला है 2 मीटर है और बिल नहीं भरा होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि इन्होंने अपना बिल भर दिया, उन्होंने नहीं भरा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। बाकी ऐसा जानबूझ के लाइट ऑफ करने वाला मुझे लगता नहीं है। देखते हैं बाकी आगे क्या देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए, नंबर लिख लीजिए, नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।